कैसे हो आप सब लोग। तो भैया लेकर के आए नई वीडियो जिसमें कि हम देखेंगे पार्ट टू, जो कि हमने पहले पढ़ा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे टर्जर प्रेशर और उसके आगे वाला हिस्सा। तो आशा करता हूँ कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत काम की रहने वाली है। नोट्स भी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियोज को। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ी तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पर, टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो बने रहेगा हमारे साथ, करते हैं बात को शुरू। तो भैया देखिए, आज हेडिंग हमारा है टर्जर प्रेशर। क्या हेडिंग? टर्जर प्रेशर। तो हमें यहाँ सीखना है कैसे टर्जर प्रेशर अप्लाई होता है, क्या होता है टर्जर प्रेशर। देखिए जी, ऐसा है, ये आपकी दो सेल दिख रही होंगी आपको, जिनमें से एक सेल आपके सामने ये रही है। इसमें आप देखो, अगर हम इस सेल को, किसी भी प्लांट सेल को देख रहे हैं यहाँ पर, जिसके मैंने लिखा हुआ है फ्लैसिड सेल, तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है आप ये मिटा लीजिएगा अपने दिमाग में से, जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि फ्लैसिड का मतलब होता है कि सिकुड़ी हुई सेल। ऐसा हमारे दिमाग में रहता है, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ी हुई। तो भैया ऐसा नहीं होता, फ्लैसिड का मतलब होता है नॉर्मल सेल, ठीक है। ये नॉर्मल सेल है, आप इसको हमेशा के लिए ध्यान रखें आगे के लिए कि भाई फ्लैसिड मतलब कैसी है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। नॉर्मल मीन्स टू से दैट इस सेल में जो मेम्ब्रेन है आपकी, दिस वन, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन आपकी सेल वॉल पर कोई प्रेशर नहीं लगा रही है। जब मेम्ब्रेन सेल वॉल पर कोई प्रेशर नहीं लगा रही होती, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सेल इज नाउ फ्लैसिड। अब हम क्या करते हैं, अभी मान लो हमने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसका ओस्मोटिक प्रेशर बाहर का कम है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका हाई है, ठीक है। तो होगा ये कि पानी जो होगा वो बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द वॉटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है पानी उसको फॉलो करता है और पानी वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट बन जाता है, मतलब पानी एक जगह कम ज़्यादा, सॉरी है। तो फिर पानी भैया क्या होगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब अंदर जाने से पानी के क्या होगा, बाहर का सॉल्यूशन कैसा बताया था, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब वाटर ज़्यादा, ओपी कम, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। अब होगा ये कि भैया देखो, पानी अंदर जाने से वैक्यूल जो आपकी है, ये वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। पहले पानी जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसके बाद वैक्यूल जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रोटोप्लास्ट है, ध्यान रखना प्रोटोप्लास्ट बोल रहा हूँ, प्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट मतलब अलोंग विद द मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटोप्लाज्म और प्लस मेम्ब्रेन मिला करके प्रोटोप्लास्ट है भैया, उसका साइज जो है वो बढ़ रहा है। साइज बढ़ने पर होगा ये कि जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये जाकर के यहाँ पर, यहाँ मतलब आपकी इसके अंदर प्रेशर लगाएगी, किस पर, वॉल पर, यहाँ पर, ये वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्जर प्रेशर, ठीक है। दैट प्रेशर, द मेम्ब्रेन इज अप्लाइंग अ प्रेशर टू द वॉल, देन वी कैन से दैट इज अ टर्जर प्रेशर। अब इसमें एक खास बात यह है कि जिस समय पर मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, उसी समय पर वॉल भी उतना ही प्रेशर, एग्जैक्टली सेम, मेम्ब्रेन पर लगा रही होती है, ठीक है, बराबर। तो ऐसे में हो जाता ये है कि जो आपका टर्जिड सेल होती है, मतलब जिसमें आपका फुल्ली टर्जिड सेल है, इसमें और पानी नहीं आ सकता, नो मोर वाटर कैन एडिट टू द सेल राइट नाउ, बिकॉज अब मेम्ब्रेन जो है पूरी तरह से सेल वॉल के पास आ गई है। तो ऐसे टाइम पर जो आपका टर्जर प्रेशर होगा वो आपका वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका टर्जर प्रेशर जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ये बात आपको अभी के लिए दिमाग में रखनी है कि टर्जर प्रेशर जीरो कब होता है, टर्जर प्रेशर कब हाई होता है। हाईएस्ट टर्जर प्रेशर जो है वो आपको टर्जिड सेल में देखने को मिलेगा, फुल्ली टर्जिड सेल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा होता है। यहाँ लिखा था हमने कि व्हेन सॉल्वेंट अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेल कॉल्ड टर्जर प्रेशर। तो जब सॉल्वेंट जो है वो दीवार पर प्रेशर लगाता है, मतलब या फिर आप समझ लीजिए सॉल्वेंट की वजह से मेम्ब्रेन दीवार पर प्रेशर लगाती है, वो आपका होता है टर्जर प्रेशर। फिर लिखा है वॉल ऑल्सो अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट द सेल टर्जर प्रेशर, दैट इज नोन एज द वॉल प्रेशर। तो भैया टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी होता है कब, जब सेल आपकी पूरी तरह से, सॉरी, जब आपकी सेल जो है वो टर्जर्ड होती है। डब्ल्यू पी, ये यहाँ पर हमने लिखा था ना, टी पी डब्ल्यू पी जीरो होता है, ठीक है, टी पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये कब, जब सेल फ्लैसिड होती है, और जब सेल टर्जिड होती है तो डब्ल्यू पी के इक्वल हो जाता है टी पी, यानी आप कह सकते हो वॉल प्रेशर के इक्वल, यानी हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है एग्जोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में और प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में दोनों जगह पर अलग हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपका ये एनिमल सेल है, ये इसमें आपको एंडोस्मोसिस देखनी है। तो देखो एनिमल सेल को जब आप एंडोस्मोसिस चाहते हो तो आपको वही पता है कि इसको हमें एक ऐसे सॉल्यूशन में रखना है जिसका लो ओपी हो, अंदर ओपी हाई है। अब पानी जो है वो एनिमल सेल के अंदर जा रहा होता है यहाँ पर। अब इसमें एक खास बात होती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल प्रेशर नहीं होता है तो भैया इस वजह से सेल आपकी फट जाती है, क्योंकि अंदर जाता रहेगा पानी, जाता रहेगा और सेल विल बस्ट। ठीक है ना, ये एंडोस्मोसिस है, सेल विल बस्ट, सेल आपकी फट जाएगी। ठीक है, अरे एग्जोस्मोसिस अगर होगा तो आप इसको कहाँ रख दोगे, जिस सॉल्यूशन में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेल, तो पानी जो है वो बाहर आने लगेगा। जब पानी बाहर आएगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, यानी तुम्हारा जो प्रोटोप्लास्ट है पूरी तरह से श्रिंक कर जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल डेथ हो सकती है लगातार, अगर वो इसी में पड़ी रही तो सेल डेथ हो जाएगी। प्लांट के केस में अगर आप इसी पे बात करने वाले हो तो भैया देखो, प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में आपकी क्या होती है, सेल वॉल होती है। यही बात हमें दिमाग में रखनी है, और सेल वॉल के अंदर आपकी मेम्ब्रेन होती है। अगर यहाँ आप एंडोस्मोसिस करोगे या तो आपकी सेल नहीं फटेगी, बस फर्क दोनों में यही है, सेल नहीं फटेगी क्योंकि यहाँ वॉल प्रेशर होगा। और एग्जोस्मोसिस होगी इसकी तो देखो ये होगा, एग्जोस्मोसिस के बाद इसका जो मेम्ब्रेन है ना वो यहाँ आ जाएगा। पहले सेल फ्लैसिड थी मान लो, अब फ्लैसिड सेल को आपने रख दिया है कैसे सॉल्यूशन में, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो पानी जो है वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जब सेल से पानी बाहर आएगा तो भैया क्या होगा, द प्रोटोप्लास्ट विल श्रिंक। ये बात आप ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट विल श्रिंक, प्रोटोप्लास्ट आपका श्रिंक कर जाएगा। ठीक है ना, और अगर ये इसी कंडीशन में पड़ी रही तो भाई सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एंडोस्मोसिस प्लांट सेल में आपने ऊपर देखा ही है, मतलब वही जब टर्जर प्रेशर होता है तो पानी अंदर जाता है तो एंडोस्मोसिस होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए लिखा गया है, आपको याद करना है क्वेश्चन कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस डन बाय द ऑस्मोस्कोप। अगर आपको ऑस्मोसिस दिखाना हो तो आप ऑस्मोस्कोप से दिखा सकते हो, जो आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप होता है जो आप स्कूल में बनाते हो, वो वाला जिसमें कि आप एक ट्रे में यहाँ पर एक वाटर लेते हो यहाँ पर, और इसके अंदर एक आप पोटैटो रख देते हो, उसके अंदर एक कैविटी बना के और इसके अंदर आप शुगर सॉल्यूशन भर देते हो यहाँ पर। ठीक है ना, जिसके वजह से आप देखोगे यहाँ पर दो ऑल पिन लगाते हैं, वो पानी फिर आपका बाहर से सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाता है, यानी पोटैटो के अंदर, इसके अंदर। तो इससे हम देख सकते हैं कि भाई एंडोस्मोसिस हो रही होती है, ऑस्मोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेजरमेंट करना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का तो उसको आप ऑस्मोमीटर से करते हो। इसके लिए आपका वो जो एक किताब में एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, थिसले फनल एक्सपेरिमेंट है ना जो, वो बात वो आप किससे कर सकते हो, ऑस्मोमीटर है वो, उससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को नाप सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पे हम समझाते हैं क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो देखिए जी, ऐसा है, अगर हम कहें कि ये वाली हमारी यू ट्यूब जो मैंने पहले एक बार बताई थी आपको कि ये एक यू टाइप की ट्यूब है और इसमें हमने ऑस्मोसिस समझा था, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये आपकी, और मैंने कहा था यहाँ पर आपका शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है वाटर, ये तो मैंने कहा था पानी जो था वो आपका इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वाटर जो है वो आपका दोनों तरफ जाता है, लेकिन फाइनली हम नेट मूवमेंट को देखते हैं कि भाई नेट मूवमेंट किधर हुआ है, तो वाटर जो है आपका इधर से इधर आएगा फाइनली, और इधर हाइट बढ़ेगी, ये मैंने कहा था। ठीक है ना, सॉल्यूशन की। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है मेन आपको, कि अगर आपको जाननी है रिवर्स ऑस्मोसिस तो भैया देखो, यहाँ हमने लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर से जो कि आपके वाटर को आने से रोकता है। ठीक है ना, तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, वाटर को आने से रोकता है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर टूवर्ड्स द साइड ए लगा देते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है। इसी पर सिस्टम पर बेस्ड आपके आरओज होते हैं जो घरों में लगे होते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर बेस्ड होते हैं। तो उसमें हम देखो क्या करते हैं, अगर आप सॉल्यूशन की साइड में, किधर ये सॉल्यूशन है आपका और इधर सॉल्वेंट है वाटर वाला, तो अगर आप सॉल्यूशन की साइड पर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तो पानी आने को रोकता है, लेकिन उसके ज़्यादा कर दोगे तो भाई इधर का जो वाटर होगा ना शुगर के सॉल्यूशन वाला, वो भी आपका वाटर वाली तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपल है, छोटा सा है, तो कई बार थ्योरी में लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी, तो आपको सही करना है। देखो लिखा क्या है यहाँ, यहाँ लिखा है कि इफ ओपी इज ग्रेटर देन
If OP is greater than the diffusion pressure, then water will come out from the solution called reverse osmosis. तो देखो यार ऐसा है, diffusion pressure कौन लगा रहा होगा? Water. क्योंकि जो molecule या जो भी कुछ diffuse होता है वो एक pressure apply करता है medium पर, and that is called as the diffusion pressure. Because यहाँ पर अब क्या diffuse हो रहा है? Water diffuse हो रहा है, पानी जा रहा है. तो भैया पानी जा रहा है तो diffusion pressure उसका होगा. तो भैया पानी के against भी जो pressure लगेगा, अगर डिफ्यूजन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे उधर से, तो भाई आपका पानी जो है वो सॉल्यूशन की साइड से इधर आ जाएगा निकल के, वाटर की साइड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस. एग्जांपल इसका यहाँ पर देखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मैराइन वाटर आपको सही करना हो तो भैया ये इसका क्या है एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट इज डीपीडी. डीपीडी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा रहता है, थोड़ा सा मतलब टिपिकल सा टॉपिक है और कई बार समझ नहीं आता, तो मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जितना ज़्यादा कर सकता हूँ. चलिए देखते हैं. देखिए ऐसा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, आप इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा. डीपीडी इज एसपी, यानी एसपी ही डीपीडी है. ठीक है जी, अब इसमें करते कैसे हैं, क्या होता है, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका एक तरफ सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है जी, तो आपको पता ही क्या होगा, जहाँ सॉल्यूशन है, जहाँ पर सॉल्यूशन है वहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, ये हमें पहले से पता होता है. ठीक है, पता ही है, याद कर लिया हमने. और ये सॉल्वेंट है, यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा. फाइनली होगा ये कि द वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, पानी जो है इधर से इधर जाएगा. अब आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को उसके सॉल्वेंट से एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं, तो दोनों तरफ का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसका डिफरेंस जो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डीपीडी. दो सॉल्यूशन को एक, तो आप दोनों को सॉल्यूशन मान लो, एक हाई कंसंट्रेशन का एक लो कंसंट्रेशन का मान लो, तो अगर आप उसमें देखोगे तो उन दोनों सॉल्यूशंस को अगर आप सेपरेट करते हो तो दोनों सॉल्यूशंस के डिफ्यूजन प्रेशर, यानी देखो वाटर, देखो भाई मेम्ब्रेन ऐसी है, मैंने कहा था वाटर आपका इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जाएगा, क्योंकि ये तो नेट मूवमेंट देखते हैं बाद में. तो हम तो दोनों तरफ के डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द डीपीडी. या फिर आप ऐसे समझिए कि डीपीडी मीन्स टू से दैट डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, ज़्यादा. देखना डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी किधर है ज़्यादा, देखो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी ज़्यादा किधर है, किधर, इधर सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन साइड का डिफ्यूजन प्रेशर कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा कमी है किसकी, डिफ्यूजन प्रेशर की. ऐसे आप समझ सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर की ज़्यादा कमी जिधर होगी, ज़्यादा कमी मतलब जिधर सॉल्यूशन सॉल्वेंट कम होगा उधर ही डिफ्यूजन प्रेशर की कमी होगी ज़्यादा, तो उधर ही हम कह सकते हैं डीपीडी हाई होगा. क्या होगा? हाई डीपीडी होगा, यानी जहाँ हाई डीपीडी होगा वहाँ लो डीपी होगा. आप ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर लो है वहाँ डीपीडी आपका कैसा है, हाई है, और जहाँ डीपीडी हाई है पानी उधर, नेट मूवमेंट जो होगा वो उधर होगा, यानी फाइनल जो होगा पानी आपका जहाँ हाई डीपीडी होता है वहाँ पर आता है. और डीपीडी दो सॉल्यूशन के, दोनों डिफ्यूजन प्रेशर के बीच का डिफरेंस है, आप ऐसे कह सकते हो. ठीक है ना, इसी को आप सक्शन प्रेशर बोल सकते हो. क्यों बोलते हैं सक्शन प्रेशर? वही इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी खींच रहा होता है. ध्यान रखना मेन चीज़ यही है, मेन डीपीडी है जो पानी को खींचता है, और पानी खींचता तब है जब जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पानी जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट की वजह से पानी आपका वहाँ जा रहा होता है तो खींचता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सक्शन प्रेशर. तो ये भाई छोटी सी बात है, आप अपने दिमाग में कैसे बैठाएंगे, याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए, आप ऐसे याद रखोगे डीपीडी हाई डीपी लो हाई ओपी, ये आप याद रखोगे. डिफ्यूजन प्रेशर हाई वहाँ होगा जहाँ ओपी हाई होगा, और जहाँ ओपी हाई होगा वहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी. इसको आप अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. हाई डीपीडी, लो डीपी, ओपी हाई और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई, ठीक है ना. चलिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है, काम आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नीचे डीपीडी लो और डीपीडी हाई, यानी पानी जो है आपका वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है. बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है. अभी हाल में टीजीटी के पेपर था उसमें शायद आया था ये, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट है जी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. अभी आपको इसको समझना है थोड़ा सा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी को.
अब आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो जी, ऐसा है, मान लीजिए एक सेल है ये, ठीक है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है जी, दो सेल होगी। अब भैया ऐसा है कि इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ठीक है, और इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, मतलब मैं बताता हूँ, इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ है वैल्यू, मान लो 5 है, 10 मान लेते हैं, चलो इसका भी 10 है, ठीक है, और इस सेल का टर्जर प्रेशर 10 है, ठीक है, और इस सेल का टर्जर प्रेशर है 5, ठीक है जी। अब आप मेरी बात सुनिए, आपको सीधा दिख रहा होगा, मैंने कहा था जहाँ, अब ऊपर पढ़ाया था, जब सेल टर्जर्ड होती है, मान लीजिए ये आपकी जो सेल है ये फुल्ली टर्जर्ड है, फुल्ली टर्जर्ड, ठीक है जी, तो फुल्ली टर्जर्ड सेल में आपका क्या होगा, देखो ये जो आपकी फुल्ली टर्जर्ड सेल है ना, ये वाली, इसको आप समझो, पानी, मैंने कहा था टर्जर प्रेशर जब लगता है तो पानी आने को रोकता है, यानी नो मोर वाटर विल एडिड, मतलब देखो सेल आपकी फुल्ली टर्जर्ड होगी, अब फुली टर्जर्ड सेल जो है वो मेम्ब्रेन सेल वॉल तोड़ के तो बाहर नहीं आ जाएगी, क्योंकि सेल वॉल उसको क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है एक तरह से, अगेंस्ट प्रेशर लगा के रोक रही होती है, ठीक है ना। तो जब आपकी फुली टर्जर्ड सेल होती है तो उसमें पानी नहीं आ रहा होता, ये आप दिमाग में रखें, ठीक है, यानी उसका जो टर्जर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है। उसी टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी वो चीज़ होता है जो पानी आने को रोकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है कि वो सॉल्यूशन में पानी आने से रोकता है। तो अभी क्या है, इस सेल के अंदर पानी और नहीं आ रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट टर्जर प्रेशर पे है, मान लो टर्जर्ड है पूरी तरह से, और इसके बराबर में एक सेल है जिसका सेल टीपी जो है वो लो है, ओपी तो बराबर 10 है मान लीजिए, तो ये पानी इस पे से लेगी, यहाँ से पानी इधर जाएगा, ठीक है ना, यानी ये वाली सेल इससे पानी खींच रही है, यानी इस सेल का डीपीडी जो है वो कैसा होगा, हाई होगा, और इस सेल का डीपीडी कैसा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, लो होगा, ठीक है ना बात, ये तो बात समझ आ रही होगी। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं कि डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी, तो अब देखो पहले वाली सेल का डी पी डी कैसा हो जाएगा, क्योंकि ओ पी टी पी इक्वल हो गए तो मतलब इसका कैसा हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना, दूसरे वाली सेल का क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। तो फुल्ली टर्जर्ड सेल में डी पी डी कैसा होएगा, जीरो, भाई फिल्ली, देखो फुल्ली टर्जर्ड सेल का सक्शन प्रेशर जीरो ही होगा ना, फुल्ली टर्जर्ड सेल को पानी ओढ़ना ही चाहिए, तो वहाँ जीरो हो जाएगा सक्शन प्रेशर, और आपका डी पी डी मतलब जीरो, सक्शन प्रेशर जीरो मतलब डीपीडी भी जीरो, और उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि इन टर्जर्ड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर टर्जर्ड प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि ओपी भी पानी आने को रोकता है और डीपी भी इस टाइम पर पानी आने को रोक ही रहा है, ठीक है ना। तो अब पानी जो है वो आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, लो टीपी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाएगा, और इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, आप ध्यान रखना, अगर आपको ये कहा जाए कि एक फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड सेल का डीपीडी कैसा होगा, तो भैया वो ओपी के इक्वल होगा, क्योंकि फ्लैसिड सेल में टीपी नहीं होता। अगर आप फ्लैसिड सेल पे देखो, ध्यान रखना, फ्लैसिड सेल में डी पी डी ओ पी के इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पर टी पी नहीं होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिख के बताया आपको ये वाली बातें, देखो जी यहाँ लिखा है कि सेल इज टर्जर्ड, अगर सेल आपकी टर्जर्ड है तो ओ पी टी पी माइनस मतलब 10 10 मतलब जीरो, नाइस, टर्जर्ड है। फ्लैसिड सेल में हम कहते हैं टी पी डी, टी पी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इस टाइम पर आपका डी पी डी जो होगा पूरी तरह से ओ पी के इक्वल हो जाएगा, जितना भी ओपी होगा, सॉल्यूट की वजह से है मान लो ओपी, तो वो जितना भी होगा उसके बराबर हो जाता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट जी प्लाज्मोलाइज, तो प्लाज्मोलाइज में देखो जी भैया ऐसा है, प्लाज्मोलाइज में फ्लैसिड में टीपी जीरो है, फ्लैसिड में टीपी जीरो है, और आपने एक सेल को, फ्लैसिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो उसका तो पानी और बाहर आ जाएगा, यानी उसका टीपी जो चला जाएगा माइनस में जाएगा, तो जब आपकी प्लाज्मोलाइज सेल होगी तो उसका टीपी कैसा हो जाएगा, माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉन्सेप्ट, टीपी फ्लैसिड का जीरो और प्लाज्मोलाइज का माइनस में जाएगा, तो भैया इस टाइम पर यहाँ आपका डीपीडी ओवर हाई हो जाएगा, यानी हाईएस्ट डीपीडी अगर कोई पूछे तो हाईएस्ट डीपीडी मतलब प्लाज्मोलाइज सेल में होगा, ठीक है ना जी, और टर्जर्ड में जीरो होगा, फुली टर्जर्ड में डीपीडी जीरो और हाईएस्ट जो होगा वो आपका प्लाज्मोलाइज में होगा, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा प्लाज्मोलाइसिस उतना ज़्यादा हाईएस्ट डीपीडी, ठीक है, गुड। ये फिर वही सवाल है आपका, यहाँ पर पूछते हैं आपको इस तरह का सवाल पेपर में दिया जाता है, यहाँ से पूछेंगे कि भैया बताओ पानी जो है वो ए बी सी में से कहाँ जाएगा,
तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है, ओपी छः टीपी चार, यहाँ हो गया डीपीटी दो, ओपी छः दो तो मतलब यहाँ डीपीटी चार, यहाँ छः तीन तीन, तो पानी जो है वो आपका लो से हाई यानी ए टू बी भी जाएगा और पानी जो है वो आपका सी टू बी जाएगा, पानी जो है वो आपका ए टू सी आएगा, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है सारे ऑप्शन तलाशने होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं मतलब लो टू हाई जिधर भी जा रहा होता है वो सब देखना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका टू टू फोर, फोर टू, टू टू थ्री, इस दोनों तरफ जाएगा, ठीक है, गुड। ये सवाल आएगा पेपर में, कर देना। नेक्स्ट जी प्लाज्मोलाइसिस नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हम वाटर पोटेंशियल पर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई देखो प्लाज्मोलाइसिस में तीन बातें हैं ध्यान रखना, एक तो लिमिटेड होती है, एक इंसिपिएंट होती है, एक इविडेंट होती है। जब आपकी किसी टर्जिड सेल है मान लो कोई, उसको जरा सा आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा ही था, तो जस्ट बस जस्ट आप समझो रखा और थोड़ा सा प्रेशर उसका टर्जिड प्रेशर हल्का सा कम हुआ, मान लो झूठ मूठ लिए कम हुआ है और मेम्ब्रेन बस ऐसे पहले सेल वॉल पर लगी होगी मान लो प्रेशर फुल, तब वो हल्का सा ढीली हुई है मान लो, तो दैट इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड, ठीक है। और ये जो लगा रखा था उसने वॉल के ऊपर, ये हटा दिया। जैसे ही आपने एक टर्जिड सेल को रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसका मेम्ब्रेन ने जो प्रेशर लगा रखा था दैट इज टर्जिड प्रेशर, ये इसका अब गया, ठीक है, गया। तो ये आपकी कैसी है, शुरुआती है लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखोगे लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस में टी पी जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, सेल जो है वो रिकवर्ड हो सकती है, अगर आप इसको पानी दोगे तो मरेगी नहीं। इसके बाद आप इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस देखोगे जहाँ पर आपका टी पी जो है वो निगेटिव है, यानी कि सेल वॉल दूर हट गई है, मेम्ब्रेन जो है यानी प्रोटोप्लास्ट जो पूरा है आपका, ये प्रोटोप्लास्ट है अंदर वाला अलोंग विद द मेम्ब्रेन है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आपका दीवारों से किनारों से छूट गया है, पीछे पीछे हो गया थोड़ा थोड़ा सा, अब इसका टी पी गया निगेटिव, ऐसे में सेल आप रिकवर कर सकते हैं, अगर इसका तुरंत पानी दोगे तो वापस से रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर सेल आपकी इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में पड़ी रही तो भैया सेल आपकी अब मरने वाली है, ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने उसको बहुत देर तक पड़ाए रखा, अब उसका जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव टीपी हो गया है, पानी उसका निकल गया बाहर, तो भाई वो मरेगी अब सेल आपकी, ठीक है ना। तो ये तीन तरह की प्लाज्मोलाइसिस होती है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे सवाल आ जाते हैं, ये वाला सवाल तो आपका आ जाता है पेपर में, आपको जरूर देखना है, करना चाहिए बहुत बार, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट की वीडियो में, वो रहेगा वाटर पोटेंशियल और उसके आगे वाले टॉपिक, ठीक है। वीडियो की लंबाई मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग को देखने में दिक्कत हो जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है तो नहीं देखी जाती, लेकिन ठीक है इतना भी बहुत है, चलता रहेगा लगातार और बने रहेगा चैनल के साथ, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आप जो देख रहे हो उनको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।